आज उसकी परफॉर्मेंस है, उसने तो धो धो के ऐसा उनको कुत्ता बनाया है कि बस कोई भी बंदा नहीं सो सकता जो आज उसने कर दिया। धोनी ने प्लेयर तैयार किए हैं, विराट कोहली भी उसके अंडर तैयार हुआ है। सर मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर भी मौजूदा दौर के लिहाज से मैं विराट कोहली को सबसे ज़्यादा बेस्ट क्रिकेटर मानता हूँ। विराट कोहली जैसा बैट्समैन आपको अपनी पाकिस्तानी टीम के अंदर नजर आता है? और नहीं, ये पास को भी नहीं है विराट कोहली के, ना बाबर आजम या ना कोई और बंदा, ये सब फारगुल है। देख लें कि बाबर आजम जो है वो कहते हैं जी लोग इधर बहुत बड़ा प्लेयर, लेकिन मैं ये कहूँगा जाके बाबर आजम जो है वो विराट कोहली से सीखे थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट कारनामे में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे ODI मैच में विराट कोहली ने शानदार 166 रनों की पारी खेली। इस मैच में विराट कोहली ने 13 चौके और 8 छक्के लगाए। विराट कोहली की इस पारी की बदौलत भारत ने श्रीलंका को रिकॉर्ड 317 रनों से हराया। विराट कोहली की इस जबरदस्त पारी के बारे में पाकिस्तानी जनता के क्या कहना है, सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विराट कोहली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं खुद उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, कुछ देर उसके ऊपर परफॉर्मेंस उसने नहीं कर सका, लेकिन उसने मेहनत की है और अब उसको मेहनत का सिला मिल रहा है। बहुत से उसको नेगेटिव कमेंट्स आने लग पड़े थे, बहुत कह रहे थे विराट कोहली कैरियर ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल भी नहीं, तो इंशाल्लाह वो आगे भी परफॉर्म करेगा। मेरी बेस्ट विशेज़ उसके साथ हैं। विराट कोहली जैसा बैट्समैन आपको अपनी पाकिस्तानी टीम के अंदर नज़र आता है? और नहीं, ये पास को भी नहीं है विराट कोहली के, ना बाबर आजम या ना कोई और बंदा, ये सब फारगुल है। नहीं, नो डाउट उनकी बैटिंग लाइनअप शुरू से ही तगड़ी है। जिस तरह हमारी बॉलिंग तगड़ी है, इस तरह उनकी बैटिंग लाइन तगड़ी है। और नो डाउट बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, और गिल भी है जो राइजिंग स्टार है। लगता तो ऐसे ही है कि तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और नो डाउट वो बड़े प्लेयर हैं। प्लेयर की कोई ये नहीं होता कि आप कह दें कि प्लेयर की ख़त्म हो गई है क्रिकेट। जब तक वो फिट हैं वो खेलेंगे क्रिकेट। उनके भी मेरे हिसाब से 3-4 साल और भी बाकी हैं, वो खेल सकते हैं क्रिकेट। जिस तरीके से विराट कोहली अपनी टीम को लेकर चल रहा है, हमारे पास ऐसा स्टार प्लेयर कब आएगा? ये आ ही नहीं सकते, ये इन लोगों में अनाब होता है। ये बाबर आजम और ये सारे अपने पसंद के जब इन्होंने लड़के खिलाने हैं तो फिर पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। बेफिक्र हो जाओ आप, नहीं हो सकता। टीम के लिए थोड़ी खेलते हैं, ये तो अपने लिए खेलते हैं। मेरी सेंचुरी हो, मेरी 50 हो, मैं टीम सब ने रिश्तेदार अंदर वाड़े हुए जनाब। रिश्तेदारी चल रही है, गेम नहीं चल रही है। हाँ जी, यहाँ पे रिश्तेदारियाँ चल रही हैं, हमारे हर महकमे में रिश्तेदारियाँ चल रही हैं। पाकिस्तान नहीं, ये रिश्तेदारी का घर। विराट कोहली के लिए लास्ट की मैसेज आप देंगे? यार अच्छा प्लेयर है, आप क्या कहेंगे? विराट कोहली, यार विराट कोहली जो है अभी इस टाइम वो जैसी उसकी परफॉर्मेंस है, अभी वो किसी के हाथ नहीं आ रहा। और आगे जाके तो वो तो सारी टीमों के छक्के छुड़ा, उनको हीड़ा बना देगा वो तो मार मार के। आज उसकी परफॉर्मेंस है, उसने तो धो धो के ऐसा उनको कुत्ता बनाया है कि बस कोई भी बंदा नहीं सो सकता जो आज उसने कर दिया लोगों के साथ। ये है कि जितना स्कोर आज अकेले विराट कोहली ने किया है 166 स्कोर उसने किया है, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की पूरी टीम मिलकर भी नहीं उतना एक स्कोर बना सकती। मैं बेशक आपके पास ना उन्होंने विराट कोहली को चांस दिया है, धोनी ने प्लेयर तैयार किए हैं, विराट कोहली भी उसके अंडर तैयार हुआ है। यहाँ पे अगर एक स्टार फेल होता ना हमारा, तो हम उसको साइड लाइन कर देते हैं। जैसे आप बाबर आजम को देख लें, रन्स करता आ रहा है, लेकिन अब अगर उसकी थोड़ी सी बैड फेस चला तो हम बजाय उसको सपोर्ट करने के उस पर नुक्ताचीनी करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो प्लेयर को एक प्रॉपर मौका दें। अगर बाबर आजम विराट कोहली जितनी क्रिकेट खेलता है, जिस तरह तेंदुलकर ने भी तकरीबन 470 वनडे खेले हैं, 200 टेस्ट खेले हैं, अगर इस तरह बाबर आजम भी खेलता है तो नो डाउट वो रिकॉर्ड विराट कोहली के भी तोड़ेगा, तेंदुलकर के भी तोड़ेगा रिकॉर्ड। तो विराट कोहली को किसी प्रेजल की ज़रूरत नहीं है। जिस लेवल का वो प्लेयर है और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज वो थ्रू आउट इस कैरियर वो देता आ रहा है अभी तक, और अभी भी उसमें काफ़ी क्रिकेट बाकी है। जितना वो फिट प्लेयर है तो वो इससे भी बेहतर कर सकता है और इससे बेहतर करके दिखाएगा भी। और आज जो उसकी इनिंग्स थी 166, ये बहुत अमेजिंग इनिंग्स थी उसकी। और चेजिंग में तो हम विराट कोहली को देख चुके हैं, चेज मास्टर उसको ऐसे ही नहीं कहा जाता, किंग कोहली। सो बहुत बेहतरीन सेंचुरी। और उसके बाद जिस तरह उसने एक्सलरेट किया लास्ट में जब शुभमन गिल आउट हुआ है, और उसके बाद उसने अपनी गेम दिखाई, उसके बाद आगे बढ़ के। वैसे मुझे लग रहा था कि शुभमन गिल के साथ क्या पता कोहली 50-60 के बाद जो है कोलैप्स कर जाए और आउट हो जाए, लेकिन जिस तरह वो उसने डोमिनेट किया आगे आगे, और फिर सेंचुरी के बाद जिस तरह उसने एक्सलरेट किया और जो शॉट्स और मैच को फिनिश करके आया वो वहाँ पे, और एक अच्छा टारगेट सेट करके आया टीम के लिए। तो मैं कहता हूँ कि कुछ भी कहा जाए उसके लिए बहुत कम है, और इस लेवल के प्लेयर आपको सदियों में देखने को मिलते हैं। और मैं समझता हूँ मॉडर्न एरा का सबसे बेस्ट बैट्समैन है विराट कोहली।